नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ माधुरी तिवारी। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। राजस्थान में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में व्यस्त थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। जिस कांग्रेस ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, क्या उन्हें यहाँ सत्ता में वापस आना चाहिए? एक जनसभा में यहां के सीएम ने स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने 5 साल कोई काम ही नहीं किया है। ये खुद ने बोला है। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि राजस्थान, इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर, तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। और इसके साथ साथ विधायक और मंत्री वे नई जादूगरी कर रहे थे, वो तिजोरियों को सफा चट कर रहे थे। और सीधा आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के दौसा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जो बेस बदलना है, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया के अंदर एक विकसित ताकत के रूप में स्थापित हो रहा है, विकसित देश के रूप में स्थापित हो रहा है। दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदला है। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, उनका सम्मान पलक पावड़े बिछा करके पूरी दुनिया करती है, तो सम्मान भारत के 142 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। जिस कांग्रेस के शासनकाल में घुसपैठ होती थी, आतंकी वारदात होती थी, आज उन्हें मालूम है आतंकवादियों को भी, उनकी आकाओं को भी, कि भारत के अंदर घुसपैठ करना और आतंकी घटना को अंजाम देने का मतलब ये है कि फिर भारत के बहादुर जवान उन्हीं की माद में घुस करके मारेंगे भी। उन्हें मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेगा भी नहीं। जहां सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने विधानसभा के विभिन्न हिस्सों में जनसंवाद, मीटिंग, अन्नकूट सहित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। लोगों ने हर जगह भारद्वाज का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भारद्वाज ने कहा कि चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है, विधानसभा में रहने वाले अपने परिचित और रिश्तेदारों को कह दे कि इस बार तो सांगानेर में सिर्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे कार्य बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो कार्य किए हैं वह आप सभी लोगों के सामने है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि विधायक बनने के बाद आपको किसी भी काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें स्थानीय मुद्दों और समस्याओं की समझ ही नहीं है, इसलिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि इन चुनावों में विकास और मुद्दों के नाम पर वोट देकर भाजपा का घमंड भी चूर चूर कर दें। इस दौरान मौजूद लोगों ने भारद्वाज को जिताने की शपथ ली। भारद्वाज ने सभी को मतदान करने का आह्वान भी किया। भाजपा की सदस्यता हासिल करने वालों में महावीर सिंह राठौड़, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विद्या धर्मनगर, सुशील शर्मा एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष महासचिव आमिर विधानसभा, राधेश्याम सैनी पूर्व महासचिव बीसीसी, रामनिवास यादव महासचिव बीसीसी, संग्राम सिंह शेखावत पूर्व कार्यकारिणी सदस्य बीसीसी, ओम प्रकाश गहलोत वार्ड अध्यक्ष वार्ड 40 झूठवाड़ा, नाथूराम मीणा ब्लॉक अध्यक्ष एसटी प्रकोष्ठ, पवन सूटवाला पूर्व सचिव पीसीसी वर्तमान अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, पवन दरीमा महासचिव यूथ कांग्रेस, प्रेम सिंह मुरलीपुरा वार्ड, आशुतोमा शारदा वार्ड 11 यूथ कांग्रेस महासचिव, जगदीश
पागड़ा पूर्व सरपंच नंदलाल सुनट्टी वार्ड 2, गिरवर सिंह शिखावत वार्ड 18, रणवीर सिंह पटवारी जय सिंह पुरा वार्ड 3, भगवान सिंह शिखावत वार्ड 20, सचिन सिंह नाथावत वार्ड 18, मुकेश अग्रवाल वार्ड 17, सुशील जांगीर वार्ड 6, नवीन खंडेलवाल वार्ड 3, कानाराम जाट वार्ड 1, सदस्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सत्यनारायण अग्रवाल वार्ड 15, पूर्व सचिव चंदालाल सैनी वार्ड 2, कैलाश जी कुमावत वार्ड 2, कानाराम जाट और राधेश्याम सैनी है। दोस्तों विधानसभाओं में घूमने के बाद और सेंट्रल पार्क जयपुर में सुबह से शाम तक दौड़ लगाने के बाद भी बहरोड़ विधायक बलजीत यादव को अपनी पार्टी का नहीं मिला कोई प्रत्याशी। बहरोड़ से नगर पालिका पार्षदों को ही उतारा है मैदान में। बताते आपको यह आरोप है कि बहरोड़ से कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव ने बहरोड़ विधायक पर हमला बोलते हुए कहा कि बहरोड़ विधायक झूठ का जनरेटर है और वो झूठ पर झूठ बोलकर बहरोड़ की जनता को गुमराह कर रहा है, लेकिन एक बार फिर बहरोड़ की भोली भाली जनता इस झूठ के जनरेटर को पहचान चुकी है। और अब बात करें पार्षदों की तो नगर पालिका के वार्ड पार्षद रोही दास यादव, नवीन जांगेड़, पुखराज गुप्ता, अमित शर्मा, सुनील सैनी को राष्ट्रीय जनता सेना से चुनाव मैदान में उतारा गया है। जनता आपकी बार बहरोड़ विधायक बलजीत यादव का वो हाल करेगी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। पीछे 5 साल में बहरोड़ को नरक बना दिया है, हर तरफ गुंडागर्दी लूट डकैती अवैध वसूली का काम किया, अब बहरोड़ की जनता लोकल को अपना नेता चुनेगी। स्थान की जनता पूरी बहरोड़ की जनता समझ गई आप केवल दिखावा कर रहे थे, यहाँ भ्रष्टाचार किया था, क्या तानाशाही गई थी, उसका नतीजा रहा खूब दौड़ लगाने के बावजूद भी पूरे राजस्थान में हल्ला कर रहा था। आज एक व्यक्ति उसको पूरे राजस्थान में सिंगल व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला, इससे बुरी उसकी दुर्गति क्या होगी। और जिन्होंने फॉर्म भरे मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ एक के भी 50 वोट भी आ जाए किसी के भी 50 वोट भी, और इस खुद की भी बहुत बुरी हालात होगी, जमानत जब्त होने वाली है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया था या बहरों में लोगों को भ्रमित करता नई पार्टी बना ली, नई पार्टी के रखने क्या होगा, ये सारी स्थिति इस नई पार्टी की सारी पोल खोल के रखती है। इसके पास कोई व्यक्ति नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, कोई आदमी से जुड़ना नहीं चाहता है क्योंकि इसका तानाशाही और भ्रष्टाचारी रवैया रहा है। तो वहीं मालवीय नगर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना शर्मा आज सुबह विधानसभा स्थित मानसिंहपुरा में जनसंपर्क अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें जीत का भरोसा देते हुए उन्हें फूलों एवं फलों से तोड़कर जीत का भरोसा दिया। उसके बाद अर्चना शर्मा जगह जगह जनसंपर्क करते हुए झालाना डूंगरी स्थित झालाना ग्राम में पहुंची एवं उन्हें वहां भी लोगों ने जीत का भरोसा देते हुए साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह विधानसभा में पहुंचकर लोगों को अपने द्वारा किए गए कार्य एवं सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त किया और लोगों को गारंटी योजनाओं की जानकारी देते हुए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा। अर्चना शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार पुनः बनने जा रही है एवं उसमें सभी विकास कार्य जो अधूरे रह गए थे पुनः कराए जाएंगे एवं सभी योजनाओं को सुचारू रूप से लागू किए जाएंगे, जन जन को लाभ मिला, यही कांग्रेस सरकार की सच है। हमारी सरकार ने हमेशा उपयोगी किए हैं, वहीं आगे भी करेंगी। मालवीय नगर विधानसभा में अर्चना शर्मा जहां जहां भी जनसंपर्क के लिए निकल रही हैं, हजारों कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उनके और उनके स्वागत के लिए सत्कार करने के लिए आगे आ रहे हैं एवं जितना भरोसा दे रहे हैं और जीत का भरोसा दे रहे हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि आपका यही प्यार और विश्वास मुझे विकास कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और मालवीय नगर के विकास के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी। अजमेर जिले के पुष्कर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश सिंह रावत के लगातार विरोध के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसको लेकर अब उनके सामने चुनौती खड़ी हो गई है। पिछले 10 सालों से विधायक रहने के बावजूद भी सुरेश रावत ने विकास के कोई विकास कार्य नहीं किए हैं जिससे परेशान क्षेत्रवासियों का गुस्सा अब चुनाव में फूट रहा है। पुष्कर से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश रावत जनसंपर्क के लिए विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे थे जहां पर ग्रामवासियों ने अपने गुस्से का इजहार किया और वहां पर हनुमान
डेरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही क्षेत्रवासियों ने विधायक सुरेश सिंह रावत को खरी खोटी भी सुनाई। विरोध बढ़ता देख सुरेश सिंह रावत कार में बैठकर रवाना हो गए। वहीं ग्रामवासियों का आरोप है कि पिछले 10 सालों से विधायक होने के बावजूद भी उनके क्षेत्र में अनेकों समस्याएं हैं, जिसके समाधान के लिए उन्होंने कई बार विधायक से संपर्क किया, लेकिन वह गांव में झांकने नहीं आए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।